जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा कि रामायण में माता कैकेयी का सर्वोच्च त्याग। अधिकांश में तो हम सब यही समझते हैं कि माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से दो वरदान मांगे, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास को जाना पड़ा। हम सब अधिकांश में यही समझते हैं कि मंथरा के कहने पर, अपनी दासी मंथरा के कहने पर माता कैकेयी ने भगवान श्री राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य मांगा, तो हम सब यही जानते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, जिसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि भगवान श्री राम जी का विवाह हो रहा था और सभी बड़े खुश थे। महाराज दशरथ तो कुछ विशेष ही प्रसन्न थे, क्योंकि महाराज दशरथ का भगवान श्री राम में प्यार बड़ा ज़्यादा था। दशरथ महाराज जी का भगवान श्री राम में प्यार सबसे ज़्यादा था, इसलिए उनको भगवान श्री राम के विवाह की बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इसी खुशी के चलते महाराज दशरथ जी के मन में यह आया कि अब मुझे राम को राजा बना देना चाहिए। दशरथ जी के मन में यह बात आई कि अब राम को राजा बनाने का समय आ गया है। जैसे ही यह बात दशरथ जी के मन में आई, उसी समय अंतर्यामी भगवान श्री राम जी ने यह जान लिया कि दशरथ महाराज, पिता महाराज, मुझे अब अयोध्या का राज्य सौंपने जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम को अपनी भगवान की लीला में यह बात बड़ी भादा लग रही थी, क्योंकि भगवान श्री राम जी का अवतार राज्य का को संभालने के लिए नहीं हुआ था। भगवान तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों के संग लीला करने के लिए इस धरती पर आए थे। तो भगवान ने सोचा कि अब मुझे कोई ऐसी लीला करनी चाहिए कि जिससे दशरथ महाराज जी मेरे को राजा ना बना सकें। तो भगवान श्री राम जी ने मन ही मन सोचा कि इस कार्य में मेरी कौन सहायता कर सकता है। तो भगवान ने काफ़ी सोच विचार कर यह निर्णय किया कि इस लीला में, इस कार्य में तो मेरी सहायता माता कैकेयी ही कर सकती हैं, वही मेरे को इस झंझट से बचा सकती हैं, इस मुसीबत से निकाल सकती हैं। तो भगवान श्री राम जी ने माता कैकेयी को याद किया, माता कैकेयी को बुलाया और उनके साथ गुप्त मंत्रणा की। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को कहा कि महाराज दशरथ जी के मन में मेरे को राजा बनाने की बात आ चुकी है। तो कैकेयी माता ने कहा कि है तो बड़ी खुशी की बात है, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है कि अयोध्या को आप जैसा राजा मिले। माता कैकेयी यह अच्छी तरह जानती थी कि भगवान राम भगवान का ही अवतार हैं, श्री राम भगवान का ही अवतार हैं। तो माता कैकेयी ने कहा कि मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप अयोध्या के राजा बनते हो। लेकिन भगवान श्री राम जी ने कहा कि मेरी इस समय की सबसे बड़ी परेशानी ही यही है कि मुझे राजा नहीं बनना है। तो भगवान ने माता कैकेयी से इसको विस्तार से कहा। भगवान ने कहा कि मेरा अवतार धरती पर राजा बनने के लिए नहीं हुआ है, मुझे तो अयोध्या को सुरक्षित भी करना है, क्योंकि जब तक अयोध्या के आसपास राक्षसों का निवास है तब तक अयोध्या कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। और भगवान ने यह भी कहा कि मैंने वैसे भी शबरी, गीधराज, जटायु, केवट, सुग्रीव और अपने परम भक्त हनुमान को भी दर्शन देने हैं, और इन सबको दर्शन तभी दिए जा सकते हैं अगर मैं वनवास को जाऊं। अयोध्या का राजा बनते हुए यह कार्य संभव नहीं है, और मुझे तो अपने भगवान की अवतार की सारी लीलाओं को भी पूरा करना है और रावण इत्यादि सभी राक्षसों का उद्धार भी करना है, लेकिन मेरे को राजा बनते हुए यह कार्य कोई भी नहीं हो सकते। इसलिए मुझे राजा बनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने भगवान के रूप के, भगवान की सारी लीलाओं को पूरा करना है। तो माता कैकेयी ने कहा कि आपकी बात मेरे को समझ में आ चुकी है, लेकिन इस सब का उपाय क्या होगा, कैसे आपको राजा बनाने के लिए हम महाराज दशरथ जी को मना कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम जी ने माता कैकेयी से कहा कि उपाय तो एक ही है, जो मैंने अभी आपसे कहा है कि मुझे वनवास को जाना होगा, किंतु निमित्त आपको बनना होगा। इस कार्य के लिए सांसारिक लोग युगों युगों तक आपकी निंदा करते रहेंगे। आपका प्राणों से प्यारा पुत्र और मेरा प्राणों से प्यारा भाई भरत भी आपको गलत समझेगा, और सांसारिक लोग सब आपको गलत समझेंगे, किंतु अयोध्या का भला इसी में है और मेरी इच्छा और मेरी खुशी भी इसी में है। तभी मेरे भगवान के अवतार की लीला का ये सारा उद्देश्य इसी लिए पूरा हो सकेगा अगर आप मेरी इस लीला में सहयोग करो। तो निमित्त तो आपको बनना ही पड़ेगा, आगे आपकी जैसी इच्छा। लेकिन इस बात को मैं फिर कह रहा हूँ कि संसारी लोग युगों युगों तक आपकी निंदा करते रहेंगे, आगे जैसी आपकी इच्छा।
तो माता कैकेयी को यह बात समझ में आ चुकी थी। तो माता कैकेयी ने कहा कि हे श्री राम, आप मेरे को प्राणों से प्यारे हो और आप भगवान हो। आपकी आज्ञा का पालन करने एवं अयोध्या के भले के लिए मैं युगों युगों तक होने वाली लोक निंदा को खुशी से सहन कर लूँगी। मैं आपकी बात को स्वीकार करती हूँ, किंतु मैं महाराज दशरथ जी से कैसे कहूँ कि आपको वनवास को भेज दें। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे माता, अगर आपको याद हो तो महाराज दशरथ जी ने आपको दो वरदान दिए हुए हैं जो कि अभी आपने उनसे मांगने हैं। आप पहले वरदान में मेरे लिए वनवास मांग लेना और दूसरे वरदान में भरत के लिए राज्य मांग लेना। तो माता कैकेयी ने कहा कि जैसी प्रभु आपकी इच्छा, मैं वही कार्य करूँगी। तो यही बात थी जो कि आम सब लोगों को नहीं पता। वास्तविकता यही थी कि भगवान श्री राम जी के कहने पर ही माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा था। तो माता कैकेयी का यह सर्वोच्च त्याग था जो कि उन्होंने भगवान श्री राम जी की इच्छा को पूरा करने के लिए किया। आज तक भी माता कैकेयी को लोग गलत कहते हैं, आज तक भी लोग उनकी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता कैकेयी का प्राणों से प्यारा पुत्र भरत भी उनको गलत समझता रहा। तो यह वास्तविकता थी कि माता कैकेयी ने किस तरह सर्वोच्च त्याग किया। तो यहीं से भगवान श्री राम जी की वनवास लीला का सूत्रपात हुआ और भगवान अपनी मनुष्य लीला को पूरा करने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार खुशी से वनवास को गए। अपने प्राणों से प्यारे श्री राम जी की आज्ञा का पालन एवं अयोध्या के भले के लिए यह माता कैकेयी का सर्वोच्च त्याग था। बाकी मंथरा तो बहाना थी, क्योंकि भगवान ने सरस्वती माता को यह आदेश दिया था कि तुम मंथरा की बुद्धि को उस समय बदल देना ताकि वो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के लिए कैकेयी को कहे और भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए कहे। तो यही सच्चाई थी। आप वैसे भी अगर समझकर देखो तो भगवान श्री राम जी का नाम लेने से हम सभी मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन्हीं भगवान श्री राम जी की माता कैकेयी कैसे अज्ञानी हो सकती है? तो माता कैकेयी अज्ञानी नहीं थी, उन्होंने भगवान श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार ही उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और हमेशा के लिए लोक निंदा को खुशी से स्वीकार किया। तो कृपया आपसे निवेदन है कि यह बात आप औरों को भी बताएं ताकि वास्तविकता यह सबको पता चल सके। यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी सदा सर्वदा आपका मंगल करें। इसी बात के साथ हम आपको यह कहते हैं कि हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी वीडियो को आनंद से सुन सकें और सारी सच्चाइयों का आपको पता चल सके। ऐसी और भी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, कृपया हमारे चैनल पर जाके देखिए तो आपको और सच्चाइयों का पता चलेगा जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद।